दे दे, बेचारे सुबह से भूखे हैं। घर में तो ऐसा होता ही रहता है। आप चल के मुंह हाथ धो लीजिए और चाय पी लीजिए। आज इतनी देर क्यों हुई? डॉक्टर के पास गया था, हमारी दवा भी लानी थी और उसका बिल भी देना था। देखो गीता, डॉक्टर ने कहा है काम कम आराम ज्यादा, चिंता कम खुशी ज्यादा, और देखो इस दवा के साथ तुम्हारा दूध पीना बहुत जरूरी। अच्छा बाबा, देखो ये पैसे रख लो। के पहले पैसे कैसे आए? ऑफिस के हैं, संभाल के कबाट में रख दो, कल जाने से पहले याद से दे देना। सवाल काटने का नहीं, सवाल है असूल। प्रताप के पास लाखों रुपए का हिसाब रहता है, मजाले एक पैसे की भी गड़बड़ हो जाए। यही तो मेरी बदकिस्मती है सर, मेरे 100-200 रुपए का हिसाब आप रोजाना लेते हैं, लेकिन प्रताप बाबू का लाखों का हिसाब आप बिल्कुल चेक नहीं करते। What do you mean? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। Get out! Thank you सर। कोई बात नहीं माँ, 5 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। गीता वो 1000 रुपया तो देना, बात बात में भूल गया तो फिर वापस आना पड़ेगा। मैं अभी लाती। लगता है मुझसे गलती हो गई, मैंने पैसे मामा जी को दे दिए, अब शायद मुझे कर्ज लेना पड़े। और आप मेरे दूध पीने की बात कर रहे हैं। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा गीता, चाहे मुझे अपने आप को बेचना क्यों ना पड़े। गीता क्या ढूंढ रही हो, फिर कहाँ रुपए? रुपए तो नहीं मिल रहे हैं। ये तो बुरी आदत तुम्हारी, रखती कहाँ ढूंढती कहाँ? मैंने इन्हें साड़ियों के नीचे तो रखे थे। तो फिर कहाँ गए? ओह माय गॉड, गीता गीता आई एम सॉरी। गीता क्या बताऊं, आजकल इतनी परेशानी है आजकल। ये लो, देखो ऐसा करो बाद में रुपए ढूंढना, जब मिल गए तो ऑफिस भेज देना। गीता आई एम सॉरी। मम्मी 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 तुम डरो मत, रुपए अब भी मिल जाएंगे जब तो सुनो। आप सुन लिया? जानती हैं आजकल ब्याज बट्टे का काम बंद कर रखा है,
लेकिन प्रताप बाबू तुम हमारे पुराने जानकार हैं। तबीयत कैसी? ठीक है। पैसे मिल गए? जी हाँ। मैंने कहा था इधर उधर रख दिए होंगे तुमने। जाती हूँ। रिया, एक बात कहूँ? क्या है? देखो, ये तुम्हारे भैया का घर है। वो तो है ही। जब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेनी चाहिए। वो तो मैंने मांगी है, बिंदिया, चूड़िया, चप्पल और घड़ी का पट्टा। आज 5 तारीख है ना, भैया लेकर ही आएंगे। लाएंगे ना? क्यों नहीं। तो जब तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत थी तो वो भी मांग लेने चाहिए थे। तुम्हारे भैया इनकार थोड़ी करते। भाभी, तुम्हारा मतलब है भैया के 1000 रुपए मैंने चुराए? मैं चोर हूँ? ओ माँ, भाभी हमें चोर कहती है क्या? कहा? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, पांव पड़ती। अगर तुम मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती तो साफ साफ कह दो, हम माँ बेटी इस घर से चले जाएंगे। मगर इस तरह जलील करके अपने बेटे के घर से तो मैं निकालो। माँ जी, तुम हम लोगों की तलाशी लेना चाहती हो ना? आओ, देखो, 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 भाई को मेरे शरीर के कपड़े उतार के दिखा दियो। आज सुबह तो रुपए ट्रंक में थे, अब कहीं और छुपा दिए होंगे। गीता, तुम रुपए ऑफिस में तो दे गई थी, अब इन पे झूठा इल्जाम लगा के इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहती हो? ये मेरी माँ है, ये इनका अपना घर है, ये इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी, समझी? प्रिया ने कुछ चीजें मंगाई थी ना, वही लाया हूँ। चुक चुक जियो बेटा। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ऐसा भाई तो 7 जन्म तक नहीं मिलेगा, समझी? प्रिया, कह दो बहु, आज हमें खाना नहीं खाना है। लेकिन हो जाओ, मैं सर चलाने की, मैं कहती हूँ चुप चुप। आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया, भला खाने पर कैसा गुस्सा? इस बार मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। देखिए, आप नहीं खा रहे हैं तो बच्चे भी नहीं खा रहे हैं। अरे, चूड़ियां क्या हुई? चूड़ियां बेचकर वो रुपए लाई थी ना? तो भूल जाइए उस बात को, पहले खाना खा लीजिए। तुम कितनी महान हो गीता, माँ की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपनी चूड़ियां बेच दी, और मैं कितना नीच हूं, तुम्हें झूठा मानकर तुम पर हाथ उठा दिया। तो क्या हुआ, किसी घर पर तो नहीं, अपनी पत्नी पर ही तो हाथ उठाया? नहीं गीता, नहीं, आज मैं तुमसे आंख नहीं मिला सकता, तुम्हारे सामने आज मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। चोरी उन्होंने नहीं की, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। चोरी उन्हीं लोगों ने की गीता, मैंने खुद अपनी आंखों से माँ को रुपया ट्रंक में रखते देखा। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं पी गया। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं गीता, नहीं, जब गुस्सा पी जाना चाहिए था नहीं पिया, और जब नहीं पीना चाहिए था पी गया। Thank you.
लहसुन नहीं तो दही है, खाना। कैसे हम बापूजी? बेटी जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने का बुलावा आ जाए, सोचा उससे पहले तुम लोगों से एक बार मिल लूं। ऐसा ना कहिए बाबूजी। अच्छी बता, प्रताप और बच्चे कहाँ हैं? आज उनकी छुट्टी है ना, बच्चों को बाजार ले गए हैं, बस आते ही होंगे। अच्छा, और सब ठीक है ना? सब ठीक है बाबू। अरे पानी गर्म हुआ कि नहीं? कब तक बच्चे का पैर पकड़ कर बैठूंगी? हो गया माँ जी, अभी ले आती हूँ। समझन जी आई है क्या? जी हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जागे भाग हमारे दर्शन भय तुम्हारे, आप कब आए? बस आ ही रहा हूँ समझन, आप कैसी हैं? मुझे क्या हुआ है? बेटे को देख देख के खून सुखा जा रहा है। क्या हुआ प्रताप को? होना क्या है जी, अकेला कमाने वाला और खाने वाले इतने सारे और ऊपर से इतनी महंगाई है। ये बेचारी सारा दिन रसोई में घुसी रहती है, किस किस को संभाले? 10 बज गए हैं, अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। कैसी बातें कर रही है माँ जी, चाय तो रोज आप इसी वक्त पीती हैं, सुबह तो आप दूध और नाश्ता करती हैं। बहू तुम्हारे बापू आ गए तो क्या हमें घर से निकाल दोगे? एक शेर दूध इसके लिए आता है, एक शेर दूध इसका कुत्ता पीता है, हमारे दो घूंट दूध का ढिंढोरा पीट रही है। अरे बहू दवा घर में नहीं है तो कम से कम तेल से घी ले आ, जल्दी कर। घबराने की कोई बात नहीं, आज सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी कमजोरी की हालत में ऑपरेशन, इसके लिए इनको यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए। 3,000? ये एक दूसरा तरीका भी है, आप इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, गीता का इलाज इसी अस्पताल में होगा, आप खर्चे की फिक्र न करें, बस मुझे गांव जाने की देर है। बाबू जी तू फिक्र क्यों करती है? अरे मेरा जो कुछ भी है तुम्ही लोगों का तो है, तो एक बार अच्छी हो जा। मेरा क्या है, जिस दिन यमराज ने दरवाजा खटखटाया उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। चलो ले चलो इनको। ए, तुम लोगों ने इतने इतने बाल को बड़ा रखा है। लेकिन साहब मेरे बाल तो छोटे हैं। यू शट अप। चलो चलो उस तरफ नाइयों के पास। मैं तो इनकी भाषा भी नहीं समझता। बैठो 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 नीचे। अरे चुप, लेकिन इसके बाल काटो। ए यू मिस्टर, ओ मिस्टर बैठ जाओ। मैं सिर्फ खड़ा हुआ था साहब, काटा काट दिया। अरे ऑफिसर साहब, अरे मेरे अच्छे प्यारे बाल, अरे अरे मेरे बाल, मेरे प्यारे बाल, मेरी प्रिया, मैं कैसे तुझको अपना मुंह दिखाऊं? देख चुका हूं मैं। ऐसा घर में नहीं है, फिर आना। अरे प्रिया, मैं हूँ। देखो तो प्रिया, मैं हूँ। ये तो हमारे जमाई जी है, इसका मतलब है बुढ़िया सचमुच मर गई। बेटा
क्यों देख रहे हो? माँ ने कहा था। क्या कहा माँ ने? पोता। पोता? ओ माँ। थकते। वो जी साहब, मैं जल्दी से पोस्ट कर दूँ। अच्छा साहब। अरे तुम यहाँ बैठे हो हाँ, और बाहर सब रिहर्सल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो चलो गेट मूविंग, कम ऑन। ओहो अरे आप यहाँ कब से खड़े हैं? बहुत देर से। आप अपने देवर के प्रोग्राम पढ़ रही थी और हम आपकी तरफ देख रहे थे। हर चिट्ठी में बस रूपा की ही तारीफ लिखी है। बस तारीफ ही लिखता रहता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता। क्या मतलब? मतलब लड़की बोर होके किसी और से शादी कर लेगी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। शरीफ आदमी है, आपकी तरह जल्दबाजी नहीं करेगा। रही हमारी बात। आपको स्वामीनाथन ने बुलाया है। पोस्टमैन। क्या है? गीता देवी के नाम रजिस्टर लेटर है। रजिस्टर? किसने भेजा है? भेजने वाले का नाम है प्रेम कुमार। अरे ये तो मेरा पेट का जाया है। लेकिन लेटर आपको नहीं मिल सकता, इस पर गीता देवी की दस्तखत चाहिए। अरे दस्तखत तो वही करेगी, एक महीने से बीमार पड़ी है। ला मैं लाती हूँ, जल्दी से गीता के नाम से दस्तखत कर दे। जी 2000 रुपए भेज रहा हूँ। 2000? देखा ये पेट का जाया माँ को 100 रुपए तक नहीं भेजता और भाभी को 2000 भेजे हैं। डॉक्टर ओके। सर गीता ने फिर ब्लड वॉमिट किया है। ओह गॉड, इमरजेंसी ऑपरेशन की तैयारी करो। यस सर। सिस्टर स्वामीनाथन को बोलो गीता के हस्बैंड को फौरन इन्फॉर्म करो, इमीडिएटली। जी ऑपरेशन मैं अभी आता हूँ। आप जरा देरी से आओ। तुम तो ऑपरेशन करें या नहीं, लेकिन 3000 रुपया जरा जल्दी लेके आओ। जी हाँ मैं पैसे लेकर आऊंगा। प्रताप बाबू ज्यादा सोच विचार मत करो, तिजोरी से रुपए लेके पहले भाभी जी का ऑपरेशन करवाओ। लेकिन सेठ जी भी तो यहाँ नहीं है। अगर सेठ जी भी होते तो तुम्हें ऐसे मौके पर इनकार थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ 100 रुपए लेके अस्पताल में भर दो, सवेरे मामा जी का जेवर गिरवी रखकर पैसा वापस तिजोरी में रख देना। भाभी की जिंदगी का सवाल है प्रताप बाबू। तुम लोग रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है। क्यों अच्छी हो जाएगी डैडी? बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ऑपरेशन कामयाब रहा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। ये तुम्हारा बिल 2880 रुपीज 80 नया पैसा। तुम्हारा भाई को थोड़ी देर इधर रहने को पड़ेगा, वो फिर अच्छा हो जाएगा। तुम उसको लेके जाओ, तुम 3000 देगा तो बहुत अच्छा रहेगा हिसाब में। मेरा कवर। क्या बात है बेटा? मेरा पैसों का कवर 3000 रुपए थे उसमें। 3000? वही। ओह ये तो पीतल है। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। मैं प्रताप बाबू मारो तो दिन रात का धंधो है, ये बिल्कुल पीतल है। पीतल? इसका मतलब है मामा ने, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप आ रहा है, प्रताप आ रहा है। मामा, मामा! अरे भगवान, ये प्रताप नहीं, मेरी मौत है। अरे 3000 लेकर पीतल के जेवर देखा था?
भगवान झूठ न बुलवाए भांजे, मैंने तुझे एक्सिस होने के जेवर दिए थे। सर पे खून सवार है मामा, मेरे 3000 रुपए दे दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने एक्सिस होने के जेवर दिए। सेठ हरिश्चंद्र की लड़की कौन है? ये है रूपा। खबरदार बोलो मत। इस लड़की के बाप से कह देना कि भैरव खाई के भवानी मंदिर में कल शाम तक 20 लाख रुपए पहुंचा दे। चलो। लेकिन इसका बाप तो यहाँ नहीं है, इसीलिए तो कल शाम कहा है। रुपया नहीं पहुंचा तो परसों सुबह इसकी लाश पहुंच जाएगी। भागने की कोशिश की तो गोलियों से सीना छलनी कर दूंगा। उतार कर लो इन सबको।